ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास तक नोडल एनालिसिस पढ़ चुके थे। अब एक एग्जांपल देखते हैं जो थोड़ा नोडल से सॉल्व करने पे थोड़ा आसान हो जाएगा। देखते मैं एक सर्किट बना रहा हूं, देखिए मैंने एक सर्किट बनाया, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लेके स्टार्ट करा है मैंने। मेरे सर्किट में तीन रेजिस्टेंस है, तीनों ही आर है, तीन रेजिस्टेंस है, तीनों ही आर है, और एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है। और सपोज मैंने यहाँ पर एमिटर लगा दिया, सपोज मैंने यहाँ पर एमिटर लगा दिया, तो मुझे यहाँ पर करंट बताना है। बेसिकली एमिटर की रीडिंग पूछ ली मैंने आपसे, एमिटर की रीडिंग बताओ या करंट बताओ। तो इसको अगर आप किरचॉफ लॉ से करें, क्वेश्चन देख लिया सबसे पहली चीज तो, क्वेश्चन देख लिया क्या सबने? क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। अब बताइए अगर इसे किरचॉफ लॉ से करें और यहाँ करंट निकालना है तो आपको इक्वेशंस कितनी बनानी पड़ जाएगी? पहले तो ये बताओ इक्वेशंस कितनी बनानी पड़ जाएगी? सॉरी टू सर, सर, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पक्का? यस सर, यस सर, देखो मैं बताता हूँ कितनी बनानी पड़ेगी। अगर किरचॉफ लॉ से करें तो सबसे पहले बैटरी से कुछ करंट है ऐसा मान लिया आई था, ठीक है, तो वो करंट यहां से भी आ रहा होगा। अब आई में से कुछ करंट इधर से आएगा उसको स्मॉल आई बोल देंगे, और कुछ करंट यहां से आएगा उसको कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई बोल दिया। तो ये दो करंट यहां से आके आई हो गए। अब आई में से कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, हमें नहीं पता किसमें कितना जा रहा है, हमें नहीं पता किसमें कितना जा रहा है। तो यहाँ पर भी फिर वेरिएबल मानना पड़ेगा आपको, आपको मानना पड़ेगा जैसे यहाँ पर एक्स गया तो यहाँ पे आई माइनस एक्स गया। फिर इसमें स्मॉल आई आ रहा है आपको पता है, यहाँ से ऊपर से एक्स आ रहा है आपको पता है, तो इसमें आप लिख सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ से आई माइनस एक्स आ रहा है ये आपको पता है, यहाँ पे कितना जा रहा है ये आपको पता है, तो यहाँ से कितना आ रहा है ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देख लीजिए कितने वेरिएबल मानना पड़ेगा, मुझे तीन वेरिएबल मानना पड़ेगा। दिख रहा है मेरे करंट सर्किट में अज्यूम कर रहा हूँ तो मुझे तीन वेरिएबल मानना पड़ रहा है। यस तो सर, अगर किरचॉफ लॉ से करेंगे ना तो तीन वेरिएबल मतलब तीन इक्वेशन बना के करना पड़ेगा। पर नोडल से सोचे अगर तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो नोडल के लिए बहुत एप्ट क्वेश्चन है, नोडल से बहुत जल्दी आंसर आएगा इसका। कैसे? नोडल एनालिसिस में करते क्या है, सबसे पहले नोड्स की पोटेंशियल मान लेते हैं। ये एक नोड है, मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, लेट यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, यहाँ का जीरो, तो बैटरी की वजह से ये भी एक नोड है, तो यहाँ का पोटेंशियल ई हो जाएगा। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर ई, तो देखिए ये वायर है, ये वायर के थ्रू ये जो नोड इससे कनेक्टेड है, यहाँ का पोटेंशियल भी ई ही होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, तो ये एक वायर है, यहाँ पर भी पोटेंशियल जीरो ही होगा। सर्किट में जितने नोड थे सबके पोटेंशियल आ गए। देखो तो अब हर रजिस्टर का करंट लिख सकते हो आप आसानी से, अब हर रजिस्टर में करंट लिख सकते हो। यहाँ पोटेंशियल ई है, यहाँ जीरो है, तो करंट जाएगा हायर टू लोअर पोटेंशियल, और कितना जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप मतलब ई डिफरेंस, देखो ई आया डिवाइड बाय आर, पोटेंशियल ड्रॉप जो भी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर दो। वैसे इस रेजिस्टर का भी देखो यहाँ करंट लिख सकते हो, कितना आएगा? ई और जीरो का डिफरेंस ई डिवाइड बाय आर। यहां से करंट आ रहा है ई बाय आर, इधर से करंट आ रहा है ई बाय आर, तो इसमें कितना आना चाहिए? टू ई बाय आर, किरचॉफ करंट लॉ से। तो ये आ गया हमारे पास एमिटर में करंट की रीडिंग। आप चाहो तो बाकी जगह के करंट में निकाल सकते हो, यहाँ पोटेंशियल जीरो यहाँ ई, तो डेफिनेटली इधर जो करंट जाना चाहिए वो ई बाय आर जाना चाहिए। यहाँ से करंट ई बाय आर आ रहा है, यहाँ से आ रहा था टू ई बाय आर, तो यहाँ हो जाना चाहिए थ्री ई बाय आर, यहाँ थ्री ई बाय आर में से इधर ई बाय आर गया तो इसमें भी टू ई बाय आर जाना चाहिए। देखो मैंने हर ब्रांच में करंट लिख दिया। देखा आपने? यस सर, तो अच्छे से समझ लीजिए सब कि मैंने किस तरह से सॉल्व करा है। मुझे एक्चुअली जैसे ही मैंने पोटेंशियल्स माने ना नोट्स के, तो मुझे एक पोटेंशियल जीरो लेके दूसरा ई दिखा, वो ई दिखा, तो हर जगह के पोटेंशियल ई या जीरो आ गए। तो हर रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप देख लीजिए आप, ई आ रहा है। जैसे इसका पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर ई था या जीरो था, तो पोटेंशियल ड्रॉप ई हो गया। तो ऐसे हर रजिस्टर का करंट डायरेक्टली दिख गया मुझे, और वो करंट डायरेक्टली दिखने के बाद मैंने बस किरचॉफ करंट लॉ लगा के यहाँ का करंट बता दिया। इसमें ई बाय आर ऊपर आया, यहाँ से ई बाय आर इधर आया, तो इन दोनों का सम यहाँ जाना चाहिए। तो ऐसे इससे डायरेक्टली करंट मिल गया।
तो इस क्वेश्चन में तो मुझे कुछ सॉल्व ज्यादा करना ही नहीं पड़ा बच्चों, कोई इक्वेशन ही नहीं बनानी पड़ी, देखकर ही हो गया। तो नोडल से कितना जल्दी हो गया है, दिख रहा है आपको? यस सर। तो कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नोडल के लिए बहुत एप्ट होते हैं, जैसे ये जो जल्दी हो जाते हैं नोडल से, तो नोडल मेथड बहुत अच्छी है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, सर्किट सॉल्विंग की अपने सारी मेथड देख ली है, अब आपका काम है कि सारे क्वेश्चंस करो आप, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से मेथड आएगी। तो आप क्वेश्चन करते जाइए और जो दिक्कत आए वो पूछते जाइएगा, अपन आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सर्किट सॉल्विंग के बाद अब नेक्स्ट चीज लिखिए सेल। सर यहाँ पे जो दो वायर हैं उनमें हमें करंट अज्यूम करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि वहां तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ, अज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन ये देखो ना, मुझे ई बार यहाँ से करंट आते दिखा, मुझे यहाँ से ई बार आते दिखा, तो इसमें कितना जाएगा? 2E/R। खत्म हो गया। यस सर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेल। सेल क्या होता है थोड़ा सा और डिटेल में समझने वाले अपन। सेल या बैटरी क्या होता है, इसका हम सर्किट सिंबल हमेशा इस तरह से दिखाते थे। सेल के अगर अंदर देखे, जैसे आप बाजार में सेल खरीद के लाओ, तो आपको बाजार में आप बोलोगे सेल चाहिए, तो आपको ऐसा पेंसिल सेल दे देते हैं नॉर्मल, है ना, आपने बाजार में खरीदा होगा डेफिनेटली कई बार, तो ऐसा सेल दे देंगे आपको। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आई थिंक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह जब पढ़ोगे तो वहाँ, या तो आप सब तो 11th में पढ़े बच्चे हो, तो आपने तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है सेल के अंदर क्या होता है, पढ़ा है कि नहीं? यस सर। है ना, तो क्या होता है अंदर सेल के, बताओ मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। एनीवन? केमिकल रिएक्शंस होती है सर, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। केमिकल रिएक्शन होती है किस तरह की? इलेक्ट्रोकेमिकल, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। उससे क्या हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। यस सर, और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। हाँ, है ना, बिल्कुल सही कहा। तो सेल्स में हमेशा एक टर्मिनल होता है और दूसरा टर्मिनल जो होता है, इनके बीच में हमें दिखता है पोटेंशियल डिफरेंस। अंदर सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका फ्लो होता है टुवर्ड नेगेटिव टर्मिनल, उनका फ्लो होता है टुवर्ड नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां पर आके इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं, और वहां इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, तो एक तरह से पॉजिटिव चार्ज लिखने लगता है। एक तरफ इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई, एक तरफ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। ये क्यों हो रहा है? ये बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है, इंटरनल कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब अगर हम कोई वायर लगा दे इसके कॉर्नर्स पे, इसके वायर्स इसके एंड्स पे मैंने कुछ वायर लगा दिया सेल के एंड्स पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरा रास्ता मिल गया मिलने के लिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूम के जाना चाहते हैं फिर इधर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूम के जाना चाहते इधर, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका फ्लो होना चाहता है इस तरह से, इलेक्ट्रॉन फ्लो के यहाँ पर ऐसा जाना चाहते, इसकी वजह से मुझे उल्टी डायरेक्शन में करंट दिखेगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट अपन स्टैंडर्ड करंट के डायरेक्शन मानते हैं, तो इसकी वजह से हमें करंट का फ्लो ऐसे दिखने लगता है। तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चल रहा था वो देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल चल रहा है, और बाहर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल चल रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, या करंट का फ्लो ऐसा उल्टा दिखा सकते हो। ये पूरी प्रोसेस होती है सेल के अंदर। अब अंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से जो हुआ उसकी वजह से दोनों टर्मिनल के बीच में क्रिएट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इन दो टर्मिनल्स को मैं ए और बी नाम दे दूं, तो ए और बी टर्मिनल्स के बीच में आता है कुछ पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम अगर समझे देखे क्या है, तो ये कांस्टेंट नहीं होता है। जब सेल से करंट फ्लो कर रहा है तो थोड़ा बदलता है, सेल से जब करंट फ्लो होता है तो थोड़ा बदलता है, जब करंट फ्लो नहीं होता है सेल से तब ये मैक्सिमम आता है। ठीक है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज मैक्स व्हेन सेल इज नॉट गिविंग चार्जेस, नॉट गिविंग करंट। सेल से जब करंट नहीं फ्लो करा रहे हो ना, तब ये ज्यादा आता है। तो इसकी वैल्यू को अपन बोलते थे ईएमएफ, इक्वल टू ईएमएफ व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, व्हेन सेल इज इन
ओपन सर्किट। जब सेल ओपन सर्किट में है इसका मतलब सेल से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तब हमें उसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस जो दिखता है उसे हम बोलते हैं ईएमआई। अब ये पॉइंट ऐसा क्यों हो रहा है कि जब सेल से करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, इसका रीजन होता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, देखिए सेल के अंदर क्या हो रहा है, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या फिर आयन्स बोल सकते हैं आप तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े आपको जानते हैं ज्यादा अच्छे से कि अंदर आयन्स का फ्लो चलता है। जो एनायन्स होते हैं एक्चुअली वो इस टर्मिनल जाना चाहते हैं, जो कैटायन्स होते हैं उधर जाना चाहते हैं, आई थिंक ऐसा कुछ हो रहा होता है। ठीक है, तो सेल के अंदर जो आयन्स का फ्लो चल रहा है ये क्या बिल्कुल अनइंटरप्टेड बिल्कुल बिना किसी हिंड्रेंस के हो पाएगा? आंसर इज नो। हर चार्ज पार्टिकल का कुछ साइज होगा, कुछ मास होगा, तो उसे चलने के लिए एक तो कुछ एक्सेलरेशन देने के लिए आपको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उसको कुछ फोर्स लगाना चाहिए, और जब वो चलेगा तो हो सकता है दूसरे पार्टिकल से टकराए। तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि कोई भी पार्टिकल बिल्कुल अनइंटरप्टेड बिल्कुल फ्रीली चल रहा हो। अंदर सेल के अंदर भी मटेरियल्स के अंदर जब एनायंस केटायंस फ्लो कर रहे होते हैं तो उनके अंदर टकरा वो आपस में दूसरे से कोलाइड करते हैं। तो जैसे किसी किसी वायर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो में एक रेजिस्टेंस जैसा फील होता है, जैसे सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस फील होता है। जैसे किसी वायर में हमने पढ़ा है ओम्स लॉ, हमने पढ़ा है कि कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो आपस में टकराते हैं, अंदर कंडक्टर के केटायन से टकराते हैं, जिनकी वजह से एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। सेम कॉन्सेप्ट से हम बोल सकते हैं कि सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस क्रिएट होगा जिसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये रिस्पॉन्सिबल है कि सेल से जब करंट फ्लो होता है तो उसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता है। हर सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? एक तो ऑफकोर्स मटेरियल पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन मटेरियल कि सेल के अंदर क्या क्या है उन पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज ये डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, आपको ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो ज्यादा चार्ज पार्टिकल फ्लो कर पाएंगे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंड करेगा। जैसे रेजिस्टेंस को लिखते हैं ना रो एल बाय, वैसे यहां पर भी आप सोच सकते हो इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स लेंथ बोल दो, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे टेम्परेचर का असर सिर्फ ये नहीं है कि मूवमेंट की स्पीड बदलेगी, टेम्परेचर का असर केमिकल रिएक्शन पे भी होता है। तो टेम्परेचर का यहाँ पे डिफरेंट बिहेवियर भी दिख सकता है आपको, क्योंकि जब अपन केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो टेम्परेचर प्लेज अ मेजर रोल इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने की रेट बढ़ सकती है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो हो सकता है कि ज्यादा चार्ज पार्टिकल फ्लो होने लग जाए या आपको कम भी दिख सकता है। तो ये रोल जो टेम्परेचर का है वो थोड़ा अलग दिख सकता है। चलो, तो ये अपन ने देखा कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन चीज पे डिपेंड कर सकता है। अब हम ये समझ रहे हैं, आपने ये समझाया मैंने आपको कि सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है, तो पहली चीज आपको ये सब क्लियर है क्या, समझ में आया अच्छे से क्या ये? यस सर। चलो, सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर होता है ना, इसे दिखाए कैसे? अब अपन ये जो सिंबल होता है दिस इज फॉर आइडियल सेल, ये एक आइडियल सेल का सिंबल है जिसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो प्रैक्टिकल सेल या रियल सेल उसको कैसे दिखाएंगे? तो रियल सेल को दिखाने के लिए हम एक आइडियल सेल दिखाते हैं, और सेल के अंदर क्योंकि रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस भी यहां दिखा देते हैं, जो रेजिस्टेंस भी यहां दिखा देते हैं। सपोज वो स्मॉल आर है और जो आइडियल सेल का ईएमएफ है वो ई है, ऐसा दिखा दो। नाउ दिस टू थिंग्स कंबाइंडली, दो चीजों को कंबाइंडली अपन बोल सकते हैं एक रियल सेल। ये हो गया एक रियल सेल का सिंबल। मतलब क्या करना है? कुछ नहीं, एक असली सेल के अंदर क्या करेंगे अपन, उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना इंटरनल वाला उसको भी दिखा दो बैटरी के साथ में, तो ये कंबाइंड चीज हो जाएगी आपका रियल सेल। ठीक है, इसे रियल सेल बोल देंगे। अब जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा वो चेक करते हैं। जब ओपन सर्किट होता है तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसे ये मैं बोलते हैं, दिखाया मैंने, लेकिन जब इसमें करंट फ्लो होगा, देखिए ये हमारा सेल, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, और सपोज सेल करंट प्रोवाइड कर रहा है, सपोज सेल से करंट बाहर जा रहा है। जब सेल से करंट बाहर जा रहा होता है ना तो अपन बोलते हैं सेल इज डिस्चार्जिंग, सेल डिस्चार्जिंग। जब सेल करंट प्रोवाइड करता है तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसा अपन बोलते हैं। तो व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ईएमएफ ई दिखाया। अब इसके टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं ए और बी का। तो बताओ किरचॉफ लॉ से
अगर मैं बी से जाऊंगा, बी ए बी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, बी से जाऊंगा तो क्या लिखूंगा किरचॉफ लॉ से, बताइए। यहां से यहां गया, रेजिस्टेंस में गया हूं मैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, माइनस आई लिखूंगा, फिर बैटरी को क्रॉस कर रहा हूं, प्लस ई, प्लस आई, ये आ जाएगा ना बी ए बी, यस सर। जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है, सेल से करंट बाहर जा रहा है, तो सेल के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, ठीक है। अच्छा चार्ज के केस में क्या होगा, सेल को तो अपन चार्ज भी कर सकते हैं ना, आपने देखा होगा रिचार्जेबल सेल्स भी आते हैं, तो मान लीजिए सेल के अंदर करंट जा रहा है ऐसा, इसे बोलते हैं सेल इज चार्जिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल इज चार्जिंग, जब सेल के अंदर करंट जा रहा हो, सेल चार्ज हो रहा है इस प्रोसेस में, तो अब क्या आएगा पोटेंशियल ड्रॉप ए बी का, आई आर माइनस ई, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं बी ए बी लिख रहा हूँ बच्चों, देखो बी से जा रहा हूँ, माइनस ई आएगा तो, मैं बी से जा रहा हूँ, बी से जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, बी से जा रहा हूँ मैं, बी ए बी का मतलब होता है बी टू ए जाना, तो बी से जाओ, बताओ ई प्लस आई आर हो जाएगा, वेरी गुड, बी से जाने में आप आई आर बी प्लस में आ जाएगा, तो जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है तब बी ए बी, A का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू B E माइनस आई आर आ रहा है, और सेम पोटेंशियल A का विद रिस्पेक्ट टू B E प्लस आई आर होता है चार्जिंग के केस में, चार्जिंग के केस में ज्यादा आ जाता है, ठीक है, डिस्चार्जिंग केस में कम है। सो हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे कि हमने EMF को ऐसा क्यों बोला कि जब सेल ओपन सर्किट में हो, क्योंकि देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो सेल का है, जो VAB से बोलते हैं सेल्स के टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस, सेल के जो टर्मिनल है उनका पोटेंशियल डिफरेंस, VAB को बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये देखिए कम आएगा अगर सेल से करंट बाहर जा रहा है, EMF से कम आ रहा है, और EMF से ज्यादा आएगा अगर सेल से अंदर करंट जा रहा है, EMF के बराबर कब आएगा बोलो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा EMF के बराबर, रेजिस्टेंस जीरो हो जाए सर, जब I जीरो हो जाए, जब सेल से करंट नहीं जा रहा हो, J इक्वल टू E आएगा व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, भाई रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस तो आपके हाथ में नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप सेल से जो करंट जा रहा है उसे तो कंट्रोल कर सकते हो ना, सेल को करंट मत फ्लो कराने दो, सेल को ओपन सर्किट में रखो, इन दैट केस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो E के बराबर आ जाएगा, इक्वल टू ई में हो सेल के बराबर आएगा, आ रहा है क्या समझ में, यस सर। तो किसी भी सेल के टर्मिनल्स, जो आप बैटरी वगैरह खरीदते हो उनके जो टर्मिनल्स होते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो जरूरी नहीं हो कि ईएमएफ के बराबर हो, कब ईएमएफ के बराबर होगा, इस कंडीशन में बराबर होगा जब सेल से करंट नहीं जा रहा हूं, अगर सेल से करंट फ्लो कर रहा हो तो ईएमएफ से कम भी आ सकता है ज्यादा भी आ सकता है, नॉर्मली तो सेल से करंट बाहर ही जाता है तो नॉर्मली ईएमएफ से कम ही दिखेगा। चलो ये सारे प्रोसेस समझ में आया, अपन ने क्या पढ़ा है समझ में आया, आया क्या, यस सर, कुछ भी डाउट हो तो उसमें पूछ सकते हो आप। सपोज अपन ग्राफ बना रहे हैं, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वीएबी जो है, और सेल जब डिस्चार्ज हो रहा है उसमें जो करंट है वो आई, कौन सा करंट है जो सेल से बाहर जा रहा है, डिस्चार्जिंग करंट, ये कौन सा करंट है, डिस्चार्ज होने वाला, डिस्चार्जिंग वाला करंट जो है, ठीक है, इनके बीच में अपने ग्राफ बनाया, तो कैसा ग्राफ बनेगा, बताइए, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव लाइन बनेगा, बिल्कुल सही, जब I जीरो होगा तो कितनी वैल्यू आएगी, E के बाद, है ना, जब I जीरो होगा तो सर्किट में हमें पोटेंशियल ड्रॉप E दिखेगा, फिर धीरे धीरे I बढ़ाएंगे तो कम होते जाएगा, ऐसा ग्राफ आना चाहिए, अगर हम पीछे भी एक्सटेंड कर दो तो ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा हमें ग्राफ मिलना चाहिए, ठीक है,
किस करंट पे यहाँ पे जीरो आ जाएगा, E by R। यहाँ पे स्लोप क्या होना चाहिए, टेन थीटा क्या होना चाहिए, स्मॉलर आना चाहिए, आया ना? यस सर। टेन थीटा स्मॉलर आएगा ना। मैं ये देखो यहां से यहां तक की हाइट कितनी E, और यहां से यहां तक करंट की वैल्यू क्या है E by R, रेशो लो, स्मॉलर आएगा। तो अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ बनाया जाए तो स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ आता है सेल के लिए, और इसका स्लोप जो होगा इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव दिख रहा है, और जो भी मैग्नीट्यूड है उसका वो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं अपन अगर ग्राफ बताओ। दूसरी चीज, ये ग्राफ जहां कट करता है वाई एक्सिस को, वी ए बी एक्सिस को, वो ईएमएफ होता है सेल का। तो कोई मुझे ग्राफ दे दे तो मैं ईएमएफ बता सकता हूँ कितना है सेल का, और रेजिस्टेंस भी बता सकता हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, अगर एक ग्राफ दे दिया किसी ने मुझे तो, है ना, बता सकते हैं ना। जैसे यहाँ पर ग्राफ मान लीजिए 5 वोल्ट पे कट कर रहा है तो साफ दिख जाएगा ई में 5 वोल्ट है, और यहाँ पे जो करंट था मान लीजिए 2 एम्पियर था, तो 5/2 2.5 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझे क्या? एक बार फिर से बता दू। आप स्लोप निकाल सकते हो फिर से, मतलब स्लोप निकाल सकते हो कि नहीं? यस सर, वी इक्वल टू ई माइनस आईआर से स्लोप निकालना है ना। ग्राफ दिया है अगर तो ग्राफ का स्लोप बता सकते हो क्या? यस सर, बता सकते हैं। ग्राफ का स्लोप इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप बता सकते हो अगर आपको ग्राफ का स्लोप निकालते आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये ग्राफ वाई एक्सिस को जहां कट करेगा वो वैल्यू पता हो तो आप ये में बता सकते हो सेल का, है ना? यस सर। तो आप अगर आपको एक ग्राफ दे दिया तो आप सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस बता सकते हैं। चलिए, तो अपने पढ़ा सेल का, अपने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ सेम चीज नहीं होती है। सेल के जो दो टर्मिनल से उनका पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकाले तो जरूरी नहीं है कि सेल के ईएमएफ के बराबर आए, उनमें क्या रिलेशन है वो अपन ने देखा। ठीक है, अब सेल के अंदर जो चार्ज का फ्लो होता है वो आपने देखा ध्यान से, यहाँ पे उल्टा होता है। अपन यहाँ पे देखिए, लोअर पोटेंशियल का टर्मिनल है हायर पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन हायर टू लो पोटेंशियल होती है ऐसा बोलते हैं, पर वो सेल के बाहर है। सेल के अंदर देखो करंट कैसे जा रहा है, करंट जो ऐसा जा रहा है वो यहाँ इधर अंदर उस तरह से जाएगा, तो सेल के अंदर करंट नेगेटिव से हायर जाता है, नेगेटिव टर्मिनल से हायर पोटेंशियल वाले टर्मिनल जा रहा है। ठीक है, सेल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो उल्टी है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो नॉर्मल जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पढ़ा है ना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, हम पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस कैसे लिखते हैं बताओ? दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिखते होंगे ना, डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ऐसे करते हो ना? इनिशियल से फाइनल पॉइंट जाए अगर इलेक्ट्रिफिक की डायरेक्शन में जाए, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो बाहर माइनस होने की वजह से नेगेटिव आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिफिक की डायरेक्शन में पोटेंशियल नेगेटिव आता है। अब सेल के अंदर देखो, यहाँ प्लस चार्ज या माइनस चार्ज इकट्ठा हो रहे, तो प्लस और माइनस इकट्ठा हो रहे तो हमें इलेक्ट्रिफिक की डायरेक्शन क्या दिखना चाहिए, प्लस से नेगेटिव की तरफ दिखना चाहिए, है ना? ये दिखना चाहिए सेल के अंदर इलेक्ट्रिफिक की डायरेक्शन, पर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसी डायरेक्शन में हो रहा है जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो उल्टा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स उसको उल्टा लगना चाहिए था। करंट का फ्लो देखो सेल के अंदर, सेल के अंदर करंट का फ्लो इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, दिख रहा है आपको? यस सर। तो ये कैसे हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, एक्चुअली कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वहां, ऐसा बोल सकते हैं। ये हो तो रहा था ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो लेके जा रही है इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां, तो अंदर जो केमिकल रिएक्शन से अगर हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा सोचे, हम सोचे कि भैया कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही चार्ज को मूव कराती है, अगर हम ऐसा सोचे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बन रही थी पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे, ये तो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से फ्लो नहीं कराएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को उल्टा फ्लो कराती, इधर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ये किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, ऐसा सोच सकते जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर लेके जा रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर है उसे बोल देते हैं अपन नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसमें ईएमएफ बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसलिए। तो अंदर इनसाइड सेल
वी कैन हैव अ नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर से बताता हूं मैंने क्या कहा. सेल के अंदर एक तो ये यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के इकट्ठा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस को ऐसा मूव नहीं कराएगी, वो उल्टा फ्लो कराएगी. पर चार्ज इधर फ्लो कर रहे हैं, इधर क्यों फ्लो कर रहे हैं? हमने बोला कि अंदर एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा है. एंड दैट नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड वो कुछ इस तरह की है कि यहाँ हायर पोटेंशियल यहाँ लोअर पोटेंशियल बढ़ रहा है. समझे? तो सेल के अंदर जो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन की वजह से चार्जेस का फ्लो चल रहा था ना, हम सोच सकते हैं कि वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी क्रिएट हो रही है उन केमिकल रिएक्शन की वजह से, जिसकी वजह से अंदर पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है. तो ईएमएफ ऑफ सेल इज ड्यू टू, ईएमएफ ऑफ सेल इज ड्यू टू दिस नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड. अंदर सेल के जो ईएमएफ बनने का रीजन है वो ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है. समझ में आ रहा है आपको ये? दिस क्रिएट ईएमएफ. रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड. या ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड शब्द जो लगा रहा हूं मैं, क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि अंदर जो केमिकल रिएक्शन है उनकी वजह से ईएमएफ आ रहा है. अब फिजिक्स में हम केमिकल रिएक्शन के बारे में तो कुछ बोलेंगे नहीं, हम बोल देंगे कि इनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है. एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉजिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रॉम दिस नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को हाई टू लो पोटेंशियल लेके जा रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दी नॉन कंजर्वेटिव. अब नॉन कंजर्वेटिव क्यों बोली? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जिसकी वजह से उल्टा हो रहा है, इसलिए वो अलग तरह की, इसलिए नॉन कंजर्वेटिव बोला. क्या ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर. का तो सेल के अंदर दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं अपन, एक कंजर्वेटिव एक नॉन कंजर्वेटिव. जो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से चार्जेस का फ्लो होता है हम बोल सकते हैं कि वो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और बाकी जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज का फ्लो तो कंजर्वेटिव होता है, वो कंजर्वेटिव फील्ड का फ्लो होता है. तो बाहर जो ये चार्ज का फ्लो है, करंट का फ्लो, दिस इज ड्यू टू द कंजर्वेटिव फील्ड. और अंदर जो चार्ज का फ्लो है दिस दैट इज ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड. और अंदर नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को फ्लो करा रही है, इसलिए डायरेक्शन भी उल्टी आती है. तो अपने सेल के बारे में काफी चीजें समझी. देख लीजिए बोर्ड पे जितनी चीजें पड़ी है, इसमें से कहीं भी कुछ भी समस्या हो आपको बताइए. सभी चीजें क्लियर है क्या? मेरे पास क्वेश्चन आया सेल डिस्चार्जिंग में सिर्फ ई प्लस आई आर होगा ना. हाँ, सेल डिस्चार्जिंग में अपने जब सेल डिस्चार्ज कर रहा था ये वाला केस, वहां ई माइनस आई आर था पोटेंशियल ड्रॉप, ई माइनस आई आर था विकास, ई माइनस आई आर था, माइनस ई प्लस आई आर नहीं. मैं हमेशा इस टर्मिनल का पोटेंशियल देख रहा हूँ इसके रिस्पेक्ट में. देखिए मैंने बी के रिस्पेक्ट में एका देखा है, मैं बी के रिस्पेक्ट में एका देखता हूँ. तो इधर जा रहा हूँ करंट की डायरेक्शन में माइनस आई आर, फिर बैटरी पी. चार्जिंग में मैं भी फिर से ए का बी के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, तो करंट की डायरेक्शन के उल्टा गया तो प्लस आई आर, तो बैटरी के डायरेक्शन में प्लस सी, ई प्लस आई आर होगा. हम जा किधर से किधर रहे वो देखो, बी से ए जा रहे, डेल्टा वी ए बी का मतलब बी से ए जाना होता है. Yeah? सर पर करंट की डायरेक्शन से उल्टा जा रहे ना, तो क्या दिक्कत है? ये कब बोला मैंने कि करंट की डायरेक्शन में जाते हैं हमेशा? ये कब बोला? तो नोडल एनालिसिस में तो ईएमएफ वही लेते ना. कुछ भी, करंट नॉर्मली हाई टू लो पोटेंशियल जाता है. आपको कभी नहीं कहा मैंने ऐसे कि आपको हमेशा करंट की डायरेक्शन में जाना है. आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, आपकी इच्छा. समझे? तो बी से ए जा रहा हूं मैं, हमेशा दोनों तरफ एक जैसा लिखना चाह रहा था इसलिए मैं बी से ए गया. ऊपर मैंने बी से ए का पोटेंशियल ड्रॉप लिखा तो नीचे भी ए का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू बी लिखा. एनी अदर डाउट? सर जो सेकंड केस है उसमें तो सर हमें जो करंट या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो तो ई से भी ज्यादा मिल जाएगा सर, ई प्लस आई आर है ना सर? बिल्कुल सही है, ज्यादा मिलेगा आपको. बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ज्यादा मिलेगा. पर सर आपने तो कहा था कि ईएमएफ मैक्सिमम होता है.
मैंने कहा था नॉर्मली सेल से, मैंने पूरा कहा था जो चीज याद रखी है, मैंने कहा था नॉर्मली सेल को जब हम यूज करते हैं तो उससे करंट बाहर जा रहा होता है, सेल जब डिस्चार्ज होते हैं ऐसे यूज करते हैं अपन, इन दैट केस उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई से कम आएगा। सेल को जब चार्ज कर रहे हो तब आप उसको यूज नहीं करते, आप उसको चार्ज कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग इट, यू आर चार्जिंग इट, इन दैट दैट केस इज अ डिफरेंट केस। क्लियर? यस सर। सर ई उसका मैक्सिमम पोटेंशियल, ई सेल का ईएमएफ है, ई क्या बोलेंगे, सेल का ईएमएफ। ओके सर। हाँ सर, जब सेल को अपन जब चार्जिंग कर रहे हैं तो उसमें कभी करंट जीरो का हो क्या, जैसे चार्जिंग कर रहे हैं ना सर, इक्वेशन अपने डेल्टा आई वी का स्वीप प्लस आई आर, तो जैसे डिस्चार्जिंग में तो करंट जीरो हुआ जब वो ई बाई आर के बराबर हुआ, करंट थोड़ी मतलब करंट तो आपकी इच्छा आप कैसे फ्लो कराएंगे, करंट कितना फ्लो करेगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वगैरह सब पे डिपेंड करेगा, सेल से करंट कितना फ्लो होता है ये आप कंट्रोल नहीं करते, मतलब आप क्या देखना चाह रहे हो यहाँ पे सर, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब हो रहा है ये देखना चाह रहे हो। हाँ तो जब जब डिस्चार्जिंग का केस है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो सकता है जब करंट ई बाय आर हो, और चार्जिंग के केस में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, यस सर वही, यस ज्यादा हो जाएगा वो तो ई से हमेशा। यस सर। चलिए और कुछ, ओके तो मतलब सबको क्लियर है सारी चीजें। तो अपन ने बेसिकली पढ़ा कि सेल के अंदर एक रेजिस्टेंस भी होता है जिसे इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करते हैं अपन इस तरह से, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो उसके टर्मिनल्स जो उसके एंड पॉइंट्स है उनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ईएमएफ ऑफ सेल, दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मे बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल इफ सेल इज इन ओपन सर्किट, सेल से करंट नहीं जा रहा। फिर हमने एक और चीज समझी कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो तरह की होगी, एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है जो चार्जेस को नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, ये चार्जेस को उल्टा फ्लो करा रही है, लो से हाई लेके जा रही है, तो ऐसा अंदर सेल की इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए ये सब सेल के बारे में चीजें पढ़ने के बाद अपन अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा? देख हमने, मैंने बोला कि हम जो केमिकल रिएक्शन हो रही है सेल के अंदर, जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज फ्लो, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है चार्ज फ्लो के लिए। अब फिजिक्स में मैं ये थोड़ी बोलते रहूंगा कि अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है उससे चार्ज का फ्लो हो रहा है, हम चार्ज का फ्लो हो रहा है हम उसको बोल हम कोई चार्ज का फ्लो रिस्पॉन्सिबल समझते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस को फ्लो कराती है, तो हम कह रहे हैं कि अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से चार्ज का फ्लो है। कहां से आई नहीं, जो चार्ज का फ्लो हुआ सेल के अंदर वो क्यों हुआ, तो हमने बोला वो एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो केमिकल रिएक्शन की वजह से आ रही है उसकी वजह से है, मतलब समझ आया? केमिकल रिएक्शन जो हो रही है सेल के अंदर, जो अंदर चार्ज फ्लो करवाती है, वो केमिकल रिएक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ऐसा सोचो मत, इमेजिन मत करो कि देर इज सम नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, वी आर अज्यूमिंग दैट देर इज सम नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू विच चार्जेस आर फ्लोइंग इनसाइड द सेल। अब एक्चुअल चार्जेस क्यों फ्लो करते हैं सेल के अंदर, ड्यू टू केमिकल रीजंस। क्लियर? ठीक है, यस सर। चलिए अब हम पढ़ रहे थे सेल के कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि भैया किसी ने दो दो सेल लगा दिए सर्किट में, जैसे देखो ये दो सेल लगाए मैंने सीरीज में, पहला सेल E1 EMF का इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरा E2 EMF का इंटरनल रेजिस्टेंस R2। अब मैं चाहता हूं कि दो नहीं, मैं इनको एक ही दिखा दूं और एक वही काम कर दे जो दो मिलके कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं एक अकेला सेल लगा दूं जो इनके मिलकर जो बिहेवियर है वैसा बिहेव कर रहा है,
अकेले सेल का जो ईएमएफ दिखेगा उसे बोल देंगे ई इक्विवेलेंट, और उसका इंटर रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। अब दो सेल मिलके क्या करते हैं, ये करंट ही तो फ्लो कराते, इनमें कुछ करंट फ्लो होता है और इनके जो टर्मिनल से उनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। अगर ये अकेला सेल भी उसी करंट से वही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराए तो मुझे कोई फर्क ही नहीं दिखेगा भाई। अकेले सेल से भी ए बी पॉइंट के बीच में वही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा हो जो यहाँ क्रिएट हो रहा हो, और वही करंट हो जो यहाँ करंट हो, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं दिखेगा दोनों चीज में। मैं इन दो के बदले वो एक लगा सकता हूँ, am I right? Yes, sir. Yes, sir. बच्चे ठीक है। सो अगर इन दो सेल को देखा मैंने तो बताओ मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखूंगा ए बी का किरचॉफ लॉ से। माइनस आई आर टू, हाँ बोलते जाओ आगे। माइनस प्लस प्लस ई टू, हाँ माइनस आई आर वन, हाँ प्लस ई वन, यह आएगा। सही कहा आपने। फिर इस अकेले सेल के लिए क्या लिखूंगा, तो ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। और मैंने क्या कहा अभी, ये मुझे अकेला सेल इन दोनों के जैसा कब दिखेगा, जब सेम करंट से सेम पोटेंशियल ड्रॉप हो, है ना। मुझे सेम पोटेंशियल ड्रॉप दिखना चाहिए दोनों केसेस में। कंपेयर करो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पोटेंशियल ड्रॉप देखो ये लिखा हुआ है और उधर पोटेंशियल ड्रॉप क्या लिखा हुआ है। मुझे दोनों इक्वेशन सेम चीज दे रही है, ये दोनों इक्वेशन ही डेल्टा वी ए बी की है, ठीक है। तो कंपेयर करके क्या बोल सकता हूं मैं, बोलो इक्विवेलेंट इक्वल टू ई वन प्लस ई टू। जो इक्विवेलेंट सेल है उसका ईएमएफ मिल गया आपको और आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, तो जब दो सेल मिलकर एक अकेले सेल जैसा बिहेव कर रहे हैं तो उस अकेले सेल का जो ईएमएफ होना चाहिए वो इनके ईएमएफ का एडिशन है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए वो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस का एडिशन है। ये रेजिस्टेंस तो बिल्कुल जैसा सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ते हैं ना वैसे ही जुड़ गया, और ईएमएफ सीरीज में है तो ऐड कर दो, ठीक है। अब बताओ कोई ये सेल उल्टा जुड़ा होता, मान लो ये अपोजिट डायरेक्शन में होता ई टू, तो यहाँ माइनस आता ना, यहाँ माइनस आता तो फिर यहाँ भी माइनस आता, yes, sir. है ना। इसका मतलब मुझे एक चीज और समझ में आ गई कि अगर सेल्स का कनेक्शन सीरीज में है लेकिन दो सेल उल्टी पोलैरिटी में जुड़े, ऐसे जुड़े, ये E1 R1, ये E2 R2, तो अब E इक्विवेलेंट क्या आएगा, अब E इक्विवेलेंट क्या आएगा, E1 माइनस E2 आएगा, अभी तुमने तो बताया। यस सर। और R इक्विवेलेंट क्या आएगा इस केस में, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, इसमें तो माइनस नहीं करूंगा ना, नो सर, नहीं है ना, क्योंकि मान लीजिए दोनों करंट इस डायरेक्शन भेज रहे हैं तो I1 R1 और R2 ऐड ही होंगे, दोनों का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो तो सेम ही डायरेक्शन में आएगा करंट के फ्लो से। तो जब सेल की पोलैरिटी अलग हो तो ईएमएफ सब्ट्रैक्ट कर दो, सेल की पोलैरिटी सेम हो तो ईएमएफ ऐड कर दो, और इस तरह से सीरीज में इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जब हो तो ईएमएफ को जोड़ दो डिपेंडिंग अपॉन पोलैरिटीज, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी जोड़ दो, जैसा सीरीज में जोड़ते अपन रेजिस्टेंस वैसे ही जोड़ दो। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट एक अकेला सेल दिखा सकते हैं। चलिए तो ये अपन ने समझा, अब इसको नोट कर लीजिए आप। मल्टीपल सेल्स हो जाए, बहुत सारे सेल जुड़े हो तो क्या करोगे,
बहुत ऐड करते जाएंगे सर। हाँ प्लस करते जाएंगे। मान लीजिए टोटल एन सेल लगे हैं इन सीरीज, टोटल एन सेल लगे हैं सीरीज के अंदर, ठीक है, और ईएमएफ सबका चलो ई मान लेते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल एन सेल है, तो बताओ इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा? एन ई सर। एन ई आएगा, वेरी गुड। ई को एन बार जोड़ोगे तो एन ई आएगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? एन आर सर। एन आर आएगा, बहुत बढ़िया। एन सेल सीरीज में जोड़े हैं अपन ने, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ एन ई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एन आर। अब एक काम करो, इन एन में से कुछ उल्टे जोड़ दो, लेट एन सेल इन सीरीज एम माइनस एन इन वन डायरेक्शन एंड एम इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि कुछ सेल तो सीधे जुड़े और कुछ सेल उल्टे भी जुड़े हैं, ऐसा मान लिया मैंने, जैसे ये दिखा रहा हूं मैं आपको, ये कुछ सेल तो सीधे जुड़े हैं और फिर कुछ सेल उल्टे जुड़े हैं, ऐसा कुछ सेल की पोलरिटी अपोजिट भी है। ये देखिए, ये n माइनस m सेल तो सीधे जुड़े और फिर m सेल उल्टे जुड़े हुए, बात समझ में आ रही है? जैसे 100 सेल थे आपके पास, तो 100 में से किसी ने 80 सेल तो एक ही डायरेक्शन में जोड़े और 20 सेल को अपोजिट पोलरिटी से जोड़ दिया, तो अब क्या आएगा? इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, बताओ। बोलो एन ई माइनस एन ई माइनस टू एम ई। हाँ बिल्कुल सही। अब इक्विवेलेंट ईएमएफ जब निकालेंगे तो एन माइनस एम सेल का ईएमएफ तो एक ही डायरेक्शन में है और एम सेल का उल्टी डायरेक्शन में, उनका ईएमएफ सबट्रैक्ट करेंगे तो टोटल आ जाएगा ये एन माइनस टू एम इन टू ई, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा? वो तो जुड़ता ही है हमेशा ना, उसको तो डायरेक्टली ऐड करते हैं, है ना, उसको तो डायरेक्टली। अच्छे से समझ ले, मैंने सारी चीज दिखी, दिख रही है बोर्ड पे साफ साफ, दिख रही क्या हो रहा है, कितने सेल एक ही डायरेक्शन में? एन सेल्स। कितने सेल एक ही डायरेक्शन में है? एन माइनस एम। यस हाँ, तो एन माइनस एम ईएमएफ ऐड होगा और उधर एम सेल का ईएमएफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझा? आया कि नहीं है? यस सर। ओके चलो, वेरी गुड। तो यहाँ पर ने पढ़ा सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसमें मैंने यहाँ पर बताया कि बहुत सारे सेल सीरीज में हो तो क्या इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा, और कुछ सेल को उल्टा जोड़ दिया बहुत सारों में से तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ, ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी बातें देखिए अपन। अब सेल को सीरीज में कैसे कंबाइन करते वो देख चुके थे, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट केस पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो मैं यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो सेल अगर इस तरह से जुड़े हैं कि उनके टर्मिनल्स आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे ये, ये टर्मिनल बी, ये टर्मिनल ए, दोनों के टर्मिनल्स आपस में जुड़ती है, तो अब बोलते हैं कि सेल पैरेलल में जुड़े। मान लीजिए ऊपर वाले सेल का ईएमएफ था ई वन, इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन, नीचे वाले सेल का ईएमएफ था ई टू, इंटरनल रेजिस्टेंस आर टू, ठीक है। अब डेल्टा वी ए भी यही नहीं रहेगा, कॉम्बिनेशन पैरेलल में क्या दिखेगा ये समझ में आया? पहली चीज तो पैरेलल में क्या दिखेगा ये समझ में आया? यस सर। यस सर। ना अब मान लीजिए कि जो एक्सटर्नल सर्किट है यहां पर, ये जो कॉम्बिनेशन है ये भेज रहा था आई करंट, ये दोनों सेल मिलकर यहाँ आई करंट भेज रहे, और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है ए बी के बीच का। अगर एक अकेला सेल वही करंट भेजे, वही पोटेंशियल डिफरेंस बनाकर
सेम करंट भेजे और सेम पोटेंशियल डिफरेंस बनाए तो इसे बोलेंगे इक्विवेलेंट। इन दो का इक्विवेलेंट इसे कब कहा जाएगा, जब इन दो का जो पोटेंशियल ड्रॉप बन रहा है वही पोटेंशियल ड्रॉप ये बनाए और दो ये मिलकर जो करंट भेज रहे उतना करंट ये भेजे तो बोलेंगे कि इक्विवेलेंट है। सेम पोटेंशियल ड्रॉप कराना चाहिए इसे और सेम करंट भेजना चाहिए। तो अब इन दोनों को इक्विवेलेंट कब बोलेंगे ये तो देख लिया अपन ने, लेकिन अब ये पोटेंशियल ड्रॉप आएगा कितना ये समझ लेते हैं। देखिए यहां पर तो एक ब्रांच ऊपर है एक ब्रांच नीचे, दो दो ब्रांचेस है, तो जो भी टोटल करंट है वो तो दोनों ब्रांच के करंट का एडिशन होगा। जो भी टोटल करंट है वो तो दोनों ब्रांच के करंट का एडिशन होगा, एम आई राइट? यस सर, है ना। अच्छा अगर मान लीजिए वीएबी का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, मान लो आपको वीएबी का पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो क्या आप मुझे ब्रांच करंट बता सकते हो? बोलो। यस सर। आई वन करंट क्या बताओगे? बोलो। मान लो वीए और बीबी पता है, ए और बी का पोटेंशियल पता है, ये पॉइंट बी है यहाँ का पोटेंशियल पता है, ये पॉइंट ए है यहाँ का पोटेंशियल पता है, तो क्या लिखोगे आई वन? नोड इवन के साइड में पोटेंशियल फाइंड लेंगे और फिर प्रोवाइड करेंगे। अरे नोडल की इक्वेशन बोल दो ना साफ साफ, ब्रांच करंट की इक्वेशन क्या लिख दे? V plus E by R1 I1 करंट लिखना है तो स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल माइनस एंड पॉइंट का पोटेंशियल करंट के डायरेक्शन में EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है? यस सर। और ऐसे दूसरा करंट लिख दो I2। इतना क्या टाइम लगा यार आपने, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल माइनस एंड पॉइंट का पोटेंशियल करंट के डायरेक्शन में ईएमएफ, यहां पर करंट के डायरेक्शन में ई2 है डिवाइड बाय आर2, ये लिख दिया आई1 और आई2 की वैल्यू। चलो अब किरचॉफ करंट लॉ से आई को क्या लिख सकता हूं, आई1 प्लस आई2। यस लिख सकते हैं ना। तो देखो ये क्या है, ये माइनस VAB है, VAB का मतलब होता है VA माइनस VB, डेल्टा VAB का मतलब होता है VA माइनस VB, और ये क्या लिखा है VB माइनस VA, ये माइनस VAB है तो उसको लिख सकते हो माइनस डेल्टा VAB बाय R1, ये नीचे का R1 यहां ले लिया मैंने, प्लस E1 बाय R1। एक काम करते हैं इस R1 को यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं I के साथ में, नहीं मैं फंस जाऊंगा उसमें, मुझे I1 प्लस I2 चाहिए ना, तो इसको ऐसा लिखा प्लस E1 बाय R1, ऐसा चलने देते हैं। फिर ये क्या है, डेल्टा VAB विद नेगेटिव साइन डिवाइड बाय R2 प्लस E2 बाय R2। मुझे कंपेयर करने के लिए डेल्टा VAB अकेला चाहिए तो ये माइनस डेल्टा VAB माइनस डेल्टा VAB, इन दोनों को इधर लेके आता हूँ, इस I को उधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास बचेगा डेल्टा VAB उसमें 1 बाय R1 और 1 बाय R2 मुझे दिखेगा अंदर यहाँ, और वहां दिख रहा है मुझे E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, और ये I आके इधर आके माइनस में आ जाएगा। देखो सही है क्या, मैंने क्या करा, ये माइनस वी ए बी बाय आर वन माइनस वी ए बी बाय आर टू, इन दोनों टर्म को उठा के लेके गया यहाँ, उसमें से वी ए बी कॉमन ले लिया तो ये बचा, और इस आई को उधर ले आके माइनस में लिख दिया। देखो सही लिखा है क्या? बोलो। यस सर। और मैं ऐसा क्यों कर रहा था, मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसी इक्वेशन बनानी है, मैं कंपेयर करने वाला हूँ ना दोनों तरफ, तो मुझे चाहिए वी ए बी इक्वल टू समथिंग, तो मैंने वी ए बी वाले सारे टर्म को इकट्ठा करा एक तरफ लेके आ गया और ये आई को वहां बेचा। अब मुझे यहाँ सिर्फ VAB चाहिए तो ये जो इनटू वाला टर्म है उसे वहां डिवाइड में भेज दो, ठीक है? तो इसे अगर उधर डिवाइड में भेज दोगे तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। चलो पहले डिवाइड में भेज देता हूँ फिर कंपेयर करके लिख देंगे। डेल्टा VAB क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू होल थिंग डिवाइड बाय ये वाला टर्म, ये क्या है वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू माइनस आई, उसके अपॉन में आ जाएगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, यह आ गया डेल्टा वी ए बी। कंपेयर करो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को,
इसे बोल देते इक्वेशन नंबर वन, इसे बोल देते इक्वेशन नंबर टू। अगर ये सेल इन दोनों का इक्विवेलेंट है तो क्या समझ में आ रहा है कंपैरिजन करके? सर ई इक्विवेलेंट होगा ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू अपॉन वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। बिल्कुल सर, हमें कंपैरिजन करके समझ में आ रहा है भाई दो सेल का जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप बना वी ए बी उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप एक अकेला सेल बनाया उतना ही करंट से। तो करंट और पोटेंशियल ड्रॉप अगर सेम हो तो अपन बोल सकते कि दोनों इक्विवेलेंट है। इनका इक्विवेलेंट इसे कब कहेंगे? जब यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप वही मिले जो यहाँ मिल रहा है और करंट भी वही मिले जो यहाँ मिल रहा है। यहाँ करंट मिल रहा है आई, तो ये आई सेम होना चाहिए और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी और ये वी ए बी सेम होना चाहिए। इसके लिए मुझे दिख रहा है ये टर्म इसके बराबर होना चाहिए और आई के इंटू में जो है वो आर इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो हमें समझ में आ गया यहां से ऑन कंपैरिजन ई इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू दिस, ई इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू होल थिंग डिवाइड बाय वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। यह आना चाहिए ई इक्विवेलेंट की वैल्यू। और आर इक्विवेलेंट क्या समझ में आया? वहां करंट के इंटू में आर इक्विवेलेंट है और यहाँ करंट के इंटू में क्या है वन अपॉन दिस टर्म। यस सर, है ना? तो वन अपॉन वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। आर इक्विवेलेंट थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है लिखा हुआ, एक काम करता हूँ दोनों साइड इन्वर्स कर लेता हूँ। आर इक्विवेलेंट का इन्वर्स हो जाएगा वन अपॉन आर इक्विवेलेंट और वन अपॉन दिस एक्सप्रेशन का इन्वर्स हो जाएगा ये जो नीचे एक्सप्रेशन लिखा है वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की इक्वेशन तो बिल्कुल वैसी आई है जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है। यस सर, ना सभी बच्चे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की इक्वेशन देखो ध्यान से, ऐसा लग रहा है जैसे आर1 और आर2 को सिंपली पैरेलल में जोड़ा है। जब सेल्स पैरेलल में जुड़ते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी पैरेलल में जोड़ के लिख दो, नेट रेजिस्टेंस लिख दो। और ईएमएफ की इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ईएमएफ की इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। क्या ये E1 by R1 plus E2 by R2 upon 1 by R1 plus 1 by R2, ये नीचे 1 upon R equivalent जैसा लिखा हुआ है, 1 upon R equivalent जैसा लिखा है, ठीक है? और ये ऊपर E by R का सम लिखा है, EMF by resistance का सम लिखा है। तो थोड़ी complicated आई है equivalent EMF की equation, और आसान है ऐसा भी नहीं कि याद नहीं कर सकते, ठीक है? तो जब सेल्स पैरेलल में जुड़ते हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा वो देख लिया, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा ये भी देख लिया। अब दो सेल पैरेलल में तो उन्हें हटाकर एक अकेला सेल दिखा सकते हो आप। बताइए आ रहा है क्या समझ में सब? यस सर। ओके बच्चों, अच्छे से देख लो एक बार, समझ लो, कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए अच्छे से। अपन ने सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा, मैंने देखा कि जब दो सेल पैरेलल में हैं तो इस ब्रांच और इस ब्रांच दो दो ब्रांच में करंट आएगा, नेट करंट आई भेज रहे थे मान लिया, इन दो के बदले अकेला सेल भी सेम करंट भेज रहा है सेम पोटेंशियल ड्रॉप से, तो ये डेल्टा वी ए भी वही होना चाहिए जो यहाँ पर आ रहा है और ये करंट आई वही होना चाहिए जो यहाँ का है। पहले तो यहाँ पे इस दो करंट का सम करके मैंने आई लिखा, ये दो करंट कैसे लिखे नोडल से और फिर आई टोटल लिखा इनका सम करके, फिर इसको अरेंज करते गया डेल्टा वी ए बी की इक्वेशन निकाली, कंपेयर करा इन दोनों, कंपेयर करके इक्वेशन आ गए, ईएमएफ ये आ गया आर इक्विवेलेंट ये आ गया। देख लीजिए कहीं कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो अगर ये सब क्लियर है, अब बताओ कि सेल्स के टर्मिनल, किसी एक सेल का टर्मिनल उल्टा होता, मान लो ई टू उल्टा होता तो ये आई टू की इक्वेशन में ई टू उल्टा होता तो यहाँ माइनस आ जाता, है ना? यहाँ माइनस आता तो सब जगह ई टू में बस एक माइनस चल रहा होता, ठीक है? कोई भी सेल उल्टा जुड़ा है तो बस उसका ईएमएफ नेगेटिव में ले लेना, इतना ही सर फर्क आएगा बस। सेल पैरेलल में जुड़े अगर देखिए नीचे वाला सेल में उल्टा दिखा रहा हूं यहाँ पे, अब इस तरह से जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि एक सेल की डायरेक्शन अपोजिट हो तब क्या करना है अपन समझ चुके हैं। मान लीजिए आर वन था, ये ई टू, तो अब इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा वो ले लेंगे अपन ई1 बाय आर1 तो प्लस ले लेंगे और ई2 बाय आर2 को नेगेटिव ले लेंगे डिवाइड बाय 1 बाय आर1 प्लस 1 बाय।
और आर इक्विवेलेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, रेजिस्टेंस में पोलरिटी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आर इक्विवेलेंट तो वही आएगा ना, E2 by R2, और आर इक्विवेलेंट की इक्वेशन तो सेम आएगी। ठीक है, अगर बहुत सारे सेल लगे हैं पैरेलल में, किसी ने बहुत सारे सेल लगा दिए पैरेलल में, सबकी डायरेक्शन अभी सेम रखी, देखो मैंने मान लीजिए आइडेंटिकल सेल थे और एन सेल थे, आइडेंटिकल एन सेल, ई और आर, ई और आर, ई और आर, बहुत सारे सेल, कितने सेल है, एन सेल इन पैरेलल, तो क्या करोगे बताओ, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा बताओ जल्दी से। ई सर, ई आ जाएगा, वेरी गुड, कैसे, ऊपर लिखेंगे ई बाय आर का सम कितनी बार, एन बार, है ना भाई, ई बार का सम ही तो है, कितने बार, एन बार, सब आइडेंटिकल है तो एन बार जुड़ जाएगा, और नीचे वन बार का सम कितनी बार, एन बार, आर बाय एन, हाँ नीचे हो जाएगा एन टाइम वन बाय आर, तो ऊपर और नीचे देखो एन और एन गया और आर गया, तो सिर्फ ई आ रहा है, और आर इक्विवेलेंट एन बार आर पैरेलल में, तो आर बाय एन हो जाएगा। तो आप देखिए जब सेल को जब सीरीज में जोड़ते थे ना तो इक्विवेलेंट ईएमएफ बढ़ता था, सीरीज में मैंने एन ही बताया था इक्विवेलेंट ईएमएफ, और पैरेलल में इक्विवेलेंट ईएमएफ बढ़ता नहीं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सर्किट में रेजिस्टेंस देखो कम हो गया है, आर बाय एन हो गया है, पर इक्विवेलेंट ईएमएफ बढ़ा नहीं, रेजिस्टेंस कम हो रहा है अच्छी बात है, पर इक्विवेलेंट ईएमएफ नहीं बढ़ता है, तो जब सेल को पैरेलल में जोड़ो तो ईएमएफ वही रहता है, बस रेजिस्टेंस कम हो जाता है, दूसरी तरह से बोले तो सर्किट ज्यादा करंट दे सकता है, जब सेल्स पैरेलल में जुड़ते हैं ना तो करंट ज्यादा भेज सकता है, ये इसकी खासियत होती है, करंट ज्यादा भेज सकता है। चलो देख लीजिए अच्छे से, कहीं भी कुछ भी समस्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताइए। सर तब उसका ईएमएफ ई रहेगा, फिर करंट ज्यादा कैसे भेजेगा वो लास्ट के, रेजिस्टेंस कम हो गया ना, रेजिस्टेंस कम हो गया, हर एक सेल मान लीजिए हर एक सेल यहां से कुछ एक एम्पीयर, मान लीजिए एक एम्पीयर भेज पा रहा है, तो ये भी एक भेजेगा, ये भी एक भेजेगा, टोटल कितना जा सकता है, दो, समझे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल करंट भेज सकता है सर्किट वो बढ़ जाता है। यस सर। चलिए आई होप कि सबने पैरेलल पढ़ चुके हैं, अब हटा दूं बोर्ड पे जो भी लिखा है। यस सर। ओके, अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करके भी अपन जल्दी से कर सकते हैं, जैसे मैं ये शुरू का हटा रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि आपने लिख लिया ये, तो मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, देखते हैं हम कैसे उससे सेल के कॉम्बिनेशन से जल्दी से कर देंगे। देखो मान लेते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ और दे देता हूँ मैं, देखो ऐसा कुछ सर्किट है, मान लो ये 5 वोल्ट का सेल, ये भी 5 वोल्ट का सेल, ये 2 ओम, ये 3 ओम, बीच में 10 ओम जुड़ा है, ये सेल मान लेते हैं चलो 10 वोल्ट का, और ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं 1 ओम का। अब किसी ने पूछ लिया 10 ओम में करंट बताओ, किसी ने क्वेश्चन में पूछ लिया 10 ओम से करंट बताओ, ठीक है क्वेश्चन क्या है, करंट थ्रू 10 ओम, तो आप क्या करोगे बताओ, कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे, सब तो नहीं गए, बताना है आपको कैसे करेंगे सर, किरचॉफ से भी कर सकते हैं पर हम इसे सेल के कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ठीक है, किरचॉफ से करोगे तो क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन बनेगी। यस सर। दो लूप। नोडल से करोगे तो
दो नोड है एक इक्वेशन बनेगी, एक एनोड एक एनोड, दो नोड एक इक्वेशन बनेगी। अब मैं सेल के कॉम्बिनेशन से करके दिखाता हूं जिससे और जल्दी हो जाएगा अगर प्रैक्टिस कर लो तो। ये सेल और ये सेल देखिए ध्यान से, दोनों सीरीज में आप ऐसा मान सकते हो ये दो ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये तीन ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो आप इन दो सेल के कॉम्बाइन करके एक अकेला सेल दिखा सकते हो सीरीज में, इमेप जोड़ देना 10 वोल्ट हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी जोड़ देना 3 और 2 5 ओम हो जाएगा। एम आई राइट? यस सर। चलो उसके बाद ये 10 वोल्ट और 1 ओम और बीच में 10 ओम। अब देखो ये 10 वोल्ट 5 ओम, ये 10 वोल्ट 1 ओम, ये दोनों असल में पैरेलल में जुड़े देखा, इन दोनों सेल के इधर के टर्मिनल आपस में जुड़े और इधर के टर्मिनल आपस में जुड़े, ये दोनों पैरेलल में, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेते ना, इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखा देते, बीच का 10 ओम एसीसी छोड़ते और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देते। बताओ पैरेलल क्या आएगा, 10/1 + 10/5, 10/1 + 10/5 / 1/1 + 1/5 ये आएगा ना,10 वोल्ट आ रहा है तो yes, sir. चेक कर लो, 10 ही आ रहा है ना? यस सर। नीचे 1/1 + 1/5, 6/5 ही होगा ना, 5 और 1 6/5, 6 हाँ सही है। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा? फाइव बाय सिक्स दिखा दो वो, ये दिखाया 5/6, ये दिखाया 10 वोल्ट। अब 10 ओम में करंट चाहिए, देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे सीरीज में, 10 + 5/6 और 10 वोल्ट है तो करंट आसानी से आ गया, वो आ गया ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हो गया 10 + 5/6 तो आ गया 60/65 एम्पीयर आंसर, ये करंट आया। समझ में कुछ? यस सर। है ना, देखो बच्चों मैंने क्या करा इस क्वेश्चन में, अब इस रजिस्टर में करंट चाहिए था तो मैंने इन सब सेल को, ये तो सीरीज में दिख रहे थे और ये सेल इनके सीरीज के साथ पैरेलल था तो इनको हटा के सर्किट बहुत छोटा कर लिया। आप भी ऐसा कर सकते हो, आप भी ऐसा कर सकते हो। चलो अब इसमें कभी कभी हमें समस्या होती है कि यहाँ ईएमएफ ही नहीं दिया हो, मुझे समस्या हो जाएगी अगर यहाँ ईएमएफ ही नहीं दिया हो, मान लो कि ये दिया ही नहीं था, ऐसा सर्किट दिया, तब क्या करेंगे आप, इस 10 ओम में करंट निकालना है तब क्या करेंगे? सर दो को सॉल्व कर लेंगे। नहीं, हम दिमाग वाले लोग हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। देखो ये दो तो सीरीज में दिख रहे, 5/5 = 10, 3/2 = 5 ठीक है, तो इधर तो आ गया 10 वोल्ट का सेल और 5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके साथ ये 10 ओम है और इधर कनेक्टेड है 1 ओम, ये दोनों पैरेलल में ना सर। अब सुनो तो सही, ये 1 ओम को मैं ऐसा नहीं मान सकता कि यहाँ 0 वोल्ट का सेल था। Yes, हो गया, ये सेल और ये सेल पैरेलल में, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लो, 10 ओम एजिटेड छोड़ा और ये 10 वोल्ट और 0 वोल्ट का सेल पैरेलल में, 10/5 = 2, 0/1 = 0, 2 + 0 क्या जाएगा 2, / 1/5 + 1/1 ये आ गया इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ, और रेजिस्टेंस क्या जाएगा 5 × 1/5 + 1 मतलब 5/6 आ गया इक्विवेलेंट ईएमएफ। कैसे निकाला, 10/5 + 0/1 ये इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, अब फिर से वही बन गया। 0 वोल्ट का सेल ले लो, जिस ब्रांच में बैटरी नहीं है उसमें 0 वोल्ट का सेल ले लो और कर दो, समझे सर? यस सर। ये बीच वाले में भी 0 वोल्ट का नहीं ले सकते? ले सकते हैं, लेकिन जब तुमने उसको कॉम्बिनेशन में ले लिया तो फिर करंट किसमें से निकालोगे? 10 ओम में करंट चाहिए ना, जब इसको कॉम्बिनेशन में कर दिया तो करंट कैसे निकलेगा इसमें से? यस सर, यस सर, यस है ना। चलो ओके, तो ये ट्रिक समझे अपन ने, कैसे सेल का कॉम्बिनेशन लेके अपन क्वेश्चंस को कर सकते हैं।
अब आप सेल के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन बहुत सारे कर सकते हो। सेल का एक क्वेश्चन आता है नॉर्मली कि बहुत सारे सेल है आपके पास, उसको मुझे मिक्स में जोड़ना है। मिक्स में जोड़ना है मतलब कुछ सेल सीरीज में और फिर बहुत सारे सीरीज की पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो कितना ईएमएफ कितना करंट आएगा वो देखना है अपन को। तो छोटी सी चीज और बचती है अपनी सेल के कॉम्बिनेशन की, वो देख लेते हैं अपन जस्ट अ सेकंड। सर ये सेल में जो रेजिस्टेंस गिवन है वो इंटरनली है, ये कैसे पता चलेगा? कुछ भी हो, इंटरनल के बाहरी रेजिस्टेंस को भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मान के कर सकते हो, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मान के कर सकते हो क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर, है ना? लेकिन कैसा क्वेश्चन? जैसा अभी था, जैसे किसी दूसरे रेजिस्टेंस से करंट निकालना है तो कर सकते हो, बाकी कुछ और चीज पूछी हो तो मत करना, थोड़ा सोच समझ के करना क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास टोटल m इंटू एन सेल है, m इंटू एन सेल है, m और n क्या है? इंटीजर्स है। m और n क्या? इंटीजर्स है। इसमें से n सेल तो सीरीज में जुड़े हैं, ऐसे n सेल तो सीरीज में जुड़े अपन ने, कितने सेल है ये n, कैसे जुड़े हैं? सीरीज में। और ऐसी मैंने बहुत सारी सीरीज बनाई, ऐसे मैंने बहुत सारी सीरीज बनाई सेम बिल्कुल आइडेंटिकल, कितनी बनाई? m सीरीज बनाई टोटल, और इन सबको जोड़ दिया पैरेलल में। तो यहां पर मैंने कितनी रोज बनाई है? m रोज, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये mth रो। तो मैंने बहुत सारे सेल लिए, सारे आइडेंटिकल है, उसमें से कुछ को सीरीज में जोड़ा और ऐसी बहुत सारी सीरीज को आपस में पैरेलल में जोड़ दिया। तो मैंने हर रो में n सेल लगाए और ऐसी m रो लगाई, तो टोटल कितने सेल होंगे? m इंटू n सेल होंगे, है ना? यस सर। ठीक है, और हर सेल का ईएमएफ मान लीजिए e है, इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहे। तो अब देखो, क्योंकि ये जो सीरीज है इसमें n सेल है, तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा? n आ जाएगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? nr सर, nr आ जाएगा, है ना? तो मैं जो सीरीज थी ना सारी, उन सारी सीरीज को एक एक सेल से दिखा सकता हूँ। मैंने हर सीरीज को इक्विवेलेंट एक सेल दिखा दिया, कितना ईएमएफ दिखाऊंगा उसका? n, और कितना रेजिस्टेंस दिखाऊंगा? nr। तो हर जगह ऐसा कर देते अपन, ठीक है? और ऐसे कितने सेल दिखेंगे मुझे पैरेलल में, बोलो? ऐसा करूंगा तो कितने सेल दिखेंगे? m सेल इन पैरेलल। तो बताओ अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा? अब मैं एक अकेला सेल दिखा सकता हूँ इन सब सेल को पैरेलल में जोड़ के, तो उस अकेले सेल का ईएमएफ क्या आएगा और अकेले सेल का इंटरनेशनल क्या आएगा? e और r नहीं आ जाएगा सर? ईएमएफ तो नहीं आएगा बिल्कुल सही है ना। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में क्या होता है, अगर सेल आइडेंटिकल जुड़े हैं तो जो ईएमएफ रहता वही आ जाता है। अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले, हमने देखा था सेल को जब पैरेलल में जुड़े बहुत सारे सेल को, तो जो ईएमएफ रहता है एक सेल का वही आ जाता है इक्विवेलेंट। तो एनी एक सेल का ईएमएफ था, सबका ईएमएफ एनी था, तो एनी 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 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो एनी ईएमएफ आएगा। रेजिस्टेंस का क्या होगा? एनआर 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 एम बार है, एनआर बाय एम, एनआर बाय एम, एनआर बाय एम, वेरी गुड। ये आ जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ एनी, और रेजिस्टेंस आएगा एनआर बाय। अब आप चाहो तो किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कोई करंट वरंट पूछे तो आप निकाल सकते हो, ठीक है? तो जब सेल्स बहुत सारे हो तो उनका मिक्स ग्रुपिंग करके क्या इक्विवेलेंट ईएमएफ, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, ये बता दिया मैंने। अब इसमें पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं? बोलते हैं कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी आपको, मान लो वो ई की वैल्यू पता है, स्मॉल आर की वैल्यू पता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, और पूछ लेंगे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या होगी, ऐसा बोल देंगे। यहाँ जो करंट आएगा आप क्या बोलोगे इसमें से? करंट बोलोगे बैटरी में ईएमएफ कितना है नहीं, और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना है,
एक तो बाहरी आर है और इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर बाय एम था। अब इसे मैक्सिमाइज करवा लेंगे आपसे और बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ सेल कॉन्स्टेंट था। नॉर्मली ऐसा दे देते हैं कि टोटल सेल कॉन्स्टेंट है, टोटल सेल का नंबर कॉन्स्टेंट है, तो टोटल सेल का नंबर का जो भी दिया हो 50, 60, 80, 90, 100 जो भी दिया है वो नंबर कॉन्स्टेंट है। उसको कुछ नंबर ले लो, उसको कुछ कैपिटल एम या के कुछ भी ले लो। मान लीजिए इसको के ले लिया, तो अब क्या हो गया, देखो यहाँ पे दो दो वेरिएबल है, एक एन और एम, तो एक वेरिएबल हटा सकते हो आप, या आप कॉन्स्टेंट बाय एम करके एन की वैल्यू लिख सकते हो। ये जो एम है ना इसको लिख सकते हो के बाय एन, और एम को अगर के बाय एन लिख दिया तो पूरी इक्वेशन सिर्फ एन में आ जाएगी, एक ही वेरिएबल एन में आ जाएगी। फिर आप उसको डिफरेंशिएट वगैरह करके मैक्सिमाइज वगैरह कर सकते हो, समझे क्या? ये मैंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये बताया है। अपना मिक्स ग्रुपिंग तो यहां से यहां तक खत्म कर ली थी अपन ने। फिर उसके बाद मैंने बोला कि एक क्वेश्चन आता है कई बार कि इसके पैरेलल में यहां पर है ना एक रेजिस्टेंस लगा देते और पूछ लेते हैं इस रेजिस्टेंस में करंट मैक्सिमम हो इसके लिए सेल्स को कैसे जोड़े, और बोल देंगे टोटल सेल आपको कॉन्स्टेंट लेना है, टोटल सेल जैसे 100 लेना है आपको, तो अपन को क्या करना चाहिए करंट निकालना चाहिए कितना आएगा, और फिर जो कॉन्स्टेंट बाय एन ये एम की वैल्यू हो जाएगी, एम को रख दो तो एक वेरिएबल, एक एन वेरिएबल में पूरी इक्वेशन बन जाएगी। तो उसको सॉल्व करके इक्वेशन को अपन डिफरेंशिएट वगैरह करके मैक्सिमम की कंडीशन निकाल सकते हैं। बताइए आया क्या ये? यस सर। सभी बच्चे देख लीजिए आ रहा है? यस सर। यस सर। तो अपन ने पढ़ा सेल्स के कॉम्बिनेशंस वगैरह पढ़े अपन ने आज। फिर किसी रेजिस्टेंस में अगर करंट जा रहा है तो उसमें हीट डेवलप होती है। हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस के अंदर, चलो एक काम करते हैं, इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन हीट वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में अपन बल्ब्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे, हीट रेजिस्टेंस से जो डेवलप होती है वो कितनी होती है, पावर रेटिंग क्या होती है बल्ब्स की, वो सब समझेंगे अपन चीजें। तो नेक्स्ट क्लास पूरी पावर और ये सब चीज़ों पर होने वाली है। वो बहुत आसान चीज़ें होती है बच्चों, पावर रेटिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट बहुत आसान होते हैं, बच्चों को 10th क्लास में करा दिया जाता है इतना, तो आई स्क्वायर आर इतना तो पढ़ा ही होगा 10th क्लास तक, तो बहुत जल्दी हो जाएगा अपना वो पोर्शन। उसके बाद हम पढ़ने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, है ना, फिर मीटर ब्रिज क्या होता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है, ये सब अपन पढ़ने वाला। तो आप सब बच्चे ये देख कर आइएगा, रिवाइज करके आइएगा, तो आपको फिर ज्यादा समझ में जल्दी समझ में आएगा, ठीक है? तो आपको हाँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बेसिकली देखना है, करंट की वजह से पावर डेवलप जो होती है रेजिस्टेंस में, वो सब देखना है आपको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और फिर इंस्ट्रूमेंट्स या पढ़कर आइएगा, अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाला है। और अभी तक जो हो गया उस पे जो रेस एक और है वो हो जाएगी, रेस नंबर आई थिंक 4 हो जाएगी, तो रेस नंबर 4 थोड़ा कोशिश करना, ठीक है? चलिए तो बस अपन आज नहीं रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके बाद, ठीक है? थैंक यू।